कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण एजुकेशन सेक्टर ऐसा प्रभावित हुआ कि अब तक उभर नहीं पा रहा है। देश भर में यह स्थिति बनी हुई है कि पिछले 1.5 सालों से छत्तीसगढ़ के स्कूल भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। बच्चों की फीस के सहारे चलने वाले प्राइवेट स्कूलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बच्चा आज लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वाइवा नहीं दे पा रहा है। मतलब हमने तो एक पीढ़ी को कमजोर कर दिया, आगे क्या है? हमें मिलने वाला है इस सब से। गवर्नमेंट को लॉकडाउन का और बंद का ऑप्शन ढूंढना चाहिए, न कि हर बार पे उठा के आप ये बोल दें स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे। बाकी चीज़ें तो सब चालू हैं सर, मैच हो रहा है, रैलीज हो रही हैं, दारू भट्टी चालू है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन केवल जब बच्चा पढ़ने आ रहा है तो कोरोना हो रहा है। रायपुर जिले के 37 स्कूलों ने सरकार के पास लिखित में स्कूल बंद करने की जानकारी दी है। वहीं 80 से 100 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने लिखित में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये स्कूल भी बंद हो गए हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 700 से 1000 के करीब स्कूल बंद हो गए हैं या बंद होने की स्थिति में है। आदेश है, हम लोग उसका पालन करने के लिए बाध्य है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है, जैसे पिछले वर्ष भी मार्च में लॉकडाउन लगा और अधिकांश स्कूलों में उसके पहले की फीस स्कूल में नहीं आई थी। लॉकडाउन लगने के बाद से स्थिति सब आपके सामने है। इस वर्ष भी कमोबेश वही स्थिति है, लगभग 50-60% फीस पेरेंट्स की आई है, और ऐसे में इस समय में यदि हम जनरल प्रमोशन की घोषणा किए हैं तो चूंकि हमारे ऊपर तो बाध्यता है, चूंकि पढ़ाई का मामला भी है, लास्ट ईयर भी जनरल प्रमोशन हुआ, इस साल भी हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई की गुणवत्ता पर फर्क भी पड़ेगा। और दूसरा, बच्चे जो तैयारी किए हैं, जिनके अंदर एक फीलिंग है कि हाँ एग्ज़ाम होगी, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं सेकेंड आऊँगा, मैं थर्ड आऊँगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी निराशा तो आई होगी। प्राइवेट स्कूल जो छोटे छोटे स्कूल हैं, कई स्कूल, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आज की डेट में इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा आदेश आया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक पक्ष की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट व्यावसायिक टैक्स लेती है स्कूल बिल्डिंग पे, स्कूल बिल्डिंग का टैक्सेस ले रही है, बसेस का टैक्सेस ले रही हैं, उस टैक्सेस को माफ़ नहीं करा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल बंद होने से न सिर्फ स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है बल्कि बच्चों की शिक्षा का स्तर खराब हुआ है। अब जो मामला है शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में खासकर, आर्थिक स्थिति से ऊपर उठ गया है। जो स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है वो तो एक अलग प्रश्न है, वो स्कूलों के लिए वो गंभीर प्रश्न है, लेकिन जो शिक्षा की स्थिति है, वो शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकार को बहुत जल्द इस पर कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि शिक्षा की स्थिति सुधरे। सरकार आर्थिक स्थिति के अलावा अब शिक्षा की स्थिति पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस मुश्किल समय में हाई कोर्ट से स्कूलों को कुछ राहत भी मिली है। कोर्ट की तरफ से स्कूलों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने के लिए स्टे मिला है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।